तो वेलकम बैक फ्रेंड, कैसे हैं आप? और अभी आप चेक कर रहे होंगे मेरे पीछे लगा हुआ है चोर बाजार। अब चोर बाजार से हम सीधे जा रहे हैं जामा मस्जिद की साइड में, क्योंकि धूप बहुत तेज थी, जून का टाइम है तो थक गए थे हम लोग और रेस्ट भी करना था। मैं देखो कैसे खपड़ खपड़ खा रही हूँ वहाँ पे, वीडियो बन रही है उसके बावजूद भी। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको जामा मस्जिद में आपको किधर साइड से जाना है। आप जाओगे जैसे एंट्रेंस करते हो ना चोर बाजार के लिए, तो सामने सबसे पहले आपको मस्जिद दिखेगी और आप राइट टर्न करोगे तो आपको मार्केट में जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जामा मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा कैसे लगता है। होप सो मैं भी पहली बार जा रही हूँ, तो सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी है, तो भाई ताकत रखिएगा चढ़ने की, कि मैं थक गई थी चढ़ते चढ़ते, या तो वीडियो बना रहे थे। तो अभी चलते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम आ गए हैं जामा मस्जिद के अंदर, और अंदर भी नहीं, अभी जो मेन वाला गेट होता है उसमें है, अभी हमें अंदर जाना है। और आप सही से चेक करेंगे जून की, आपको पता है गर्मी इतनी तेज होती है और ज़मीन बहुत गर्म हो रही है, तो हम लोग भाग भाग के जाने वाले हैं अंदर। ये तो आपको पूरा दिखाएगा पीछे से, इस टाइप का व्यू लगता है जामा मस्जिद में। तो अगर आपको आना हो तो मैंने आपको जो चोर बाजार वाली वीडियो में आपको लोकेशन बताई थी उस पर से आना, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ यहाँ पे। तो गाइस अभी बेसिकली हम लोग आ गए हैं मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर। ये आप देख सकते हो पूरा बड़ा सा जामा मस्जिद बना हुआ है, गुम्बद वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे का एरिया देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी हम लोग बैठे हैं अंदर, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी तो यहाँ धूप थी, यहाँ पे एक्चुअली नमाज पढ़ी जाती है, तो अभी यहाँ पे ही सिर्फ ये मार्बल लगी हुए है, संगमरमर लगी हुई है, उसकी वजह से ही ठंडा है, तो यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं। और आप चेक कर रहे होंगे आगे, आप जो हम लोग मस्जिद में एंट्री करते हैं तो उनको पैर धुलने पड़ते हैं इसमें। तो गाइस अभी हम अभी तक तो हम लोग थके हुए थे, इसलिए थोड़ा जामा मस्जिद अच्छे से नहीं घुमा पाए, बट लेकिन तब थोड़ी जान आ गई है क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो अभी मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा जामा मस्जिद का, और बाकी बैकग्राउंड में बताता रहूँगा जामा मस्जिद के बारे में कैसा क्या है। तो अभी हम लोग गुम्बद पे ऊपर जा रहे हैं, सबसे टॉप पे चार गुम्बद हैं। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं ऊपर, और अभी अंदर जाके चेक करती हूँ मैं कि यहाँ पे जाने के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एक बारी या देखिए आप लोग सभी, ये इस टाइप से आपको एंट्रेंस मिलेगा, यहाँ पे नमाज होती है, और आप देखिए कितना लार्ज बना हुआ है सबसे ऊपर। और आइएगा तो ये स्पेस ज़रूर देखिएगा, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। तो अभी मैं गुम्बद में नहीं गई क्योंकि गुम्बद में मुझे डर लग रहा था, तो हम लोग बाहर आ गए। बेसिकली प्राइस उसकी 50 रुपीज़ है। अभी आप चेक कीजिए बाहर का नज़ारा है जी, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप चेक कीजिए यहाँ से आपको गेस्टबोर्ड ताज में सॉरी रेड फोर्ट दिखता है। तो अगर आप जामा मस्जिद आते हो तो रेड फोर्ट भी घूम के जाइएगा, क्योंकि आप आ रहे हो तो ऐसी बात है। मैं चाहूँगी आप चेक कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है छोटा सा, बट आओगे तो पूरा दिखेगा आपको। ये यहाँ पर ईद का टाइम था तो काफ़ी रश भी हो रहा था, आप देख भी सकते हो, और गर्मी थी वो तो उस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी है या नहीं, लेकिन जिसको घूमना है उसको घूमना ही है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे का आपको बाजार दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें फेमस है, जिस लाइक का मोहब्बत का शरबत और बिरयानी बहुत फेमस है यहाँ की। तो आओ तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्टी होती हैं। और मोहब्बत का शरबत आपको अगर गर्मी में मिल जाए ना तो वाह 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 क्या ही कहने होते हैं। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ मोहब्बत का शरबत और यहाँ की बिरयानी। तो एक बार हम लोग वापस से रुक कर लेते हैं पीछे की साइड में। बाय बाय जामा मस्जिद, दोबारा मैं आऊँगी फिर से। अभी आप चेक कीजिए यहाँ पे बिरयानी भी मिलेगी आपको, बिरयानी के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और आपको यहाँ आप चेक करोगे आपको मीठी सेवइयों में बहुत सारी वेराइटी मिल जाएंगी ईद के टाइम पर। और
काफ़ी सारे मार्केट भी लगे हुए हैं, आप चेक कर रहे हो। मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, मे बी आई थिंक इनको सिवैया ही कहते हैं। अगर आपको नाम बताओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब लोग बहुत ही चाव से यहाँ पे चील माल, बिरयानी, मोहब्बत का शरबत सब लोग लेते हैं, सबसे फेमस भी है यहाँ का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आप चेक कीजिए। आपको जाना है तो बैक साइड से 2 नंबर गेट से ही वापस जाइएगा। मिलते रहिए, बाय बाय।